एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। बाबा किन बच्चों से क्या करा सकता है बाबा ही जानता है। और ड्रामा में सबका भाग्य अपना अपना है। देखो भाई जी ने कहा मेरे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं जो बाबा के बच्चे हम बने। मैं कौन हूं? हम सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, अभी कलयुग में थे, लेकिन अभी संगमयुग में आ चुके हैं। 2500 साल हमारे चेहरा कैसा था? कैसा था 2500 साल चेहरा? बोलो नहीं करके दिखाओ थोड़ा। लक्ष्मीनारायण देवी देवता थे ना? बोलो मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली। बाबा इतना मिराकल चमत्कार, फरिश्ता छोड़ो आपके जीवन के, जैसे दादी जी ने कहा समस्या संपूर्ण मिट जाएगी। फरिश्ता अंत बाहर शरीर, इस बार की बाबा ने बोला अंतिम स्थिति फरिश्ता स्वरूप, जब तक फरिश्ता नहीं बनोगे देवता। तो क्या ऐसा अनुभव करना चाहते हो? तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे? ये वाली मेहनत ही है, और कोई पत्थर नहीं उठाना यहाँ, सिर्फ यही वाली। हो सकता है मैं बहुत बीच बीच में, आज तो शुरुआत है, बहुत सारी कहानी सुनाने वाला हूं, सत्य घटनाएं, कुछ मेरे जीवन की घटनाएं, कुछ भाई बहनों के जीवन में जो घटना घटी है। जब मैं कोई घटना सुनाऊं तो चेहरा बिगाड़ना। मुझे पता है आप सभी ने डिग्री ली है मैंने रावण की, 2500 साल से हमने प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है, किया ना? नहीं किया? अरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो बाबा छोड़ा के लिए आए। द्वापर से कितने विकार में लिखते हैं हम, अनगिनत विकार हैं। उसके छोटे बच्चे बच्चे देख लो कितने हैं, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या ये नफरत घृणा बहुत सारे हैं, और ये सभी के अंदर भरा हुआ है। वाह या नहीं? तो इसको निकालने की एक सहज उपाय है, सबसे सहज उपाय जो बाबा की बोली में सबसे पहला लाइन आता है, मीठे बच्चे मैं कौन हूं?